हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में दोस्तों एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। टोटल जो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कब कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, किस सर्कल में, क्या एग्जामिनेशन या फिर जो आपकी ब्रांच रहेगी, कहाँ पर आपको जाना होगा, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन, ये आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है ये बता देता हूँ कि आप सभी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है 15 मार्च से स्टार्ट हुए फिल होने के लिए और 5 अप्रैल तक आप सभी के फॉर्म जो है, रजिस्ट्रेशन जो है, ये चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं, जो कि जो पोस्ट है दोस्तों एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव की नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं 47 है। मिनिमम जो एज और जो मैक्सिमम एज है ये यहाँ पे आपको दिया गया है 21 से 35 साल की अगर आपकी उम्र है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी की जो उम्र होगी ये 1 मार्च 2024 तक जो है कैलकुलेट की जाएगी। इसके अलावा जो वैकेंसीज रिजर्व रहने वाली हैं, अनरिजर्व के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 वैकेंसी हैं। EWS के लिए 4 हैं, OBC के लिए 12, SC के लिए 7 है, ST के लिए यहाँ पे 3 है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप सर्कल वाइज जो है ब्रेकअप देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों बिहार के लिए नंबर ऑफ कितनी वैकेंसीज है, गुजरात में कितनी है, दिल्ली में कितनी, हरियाणा में कितनी है, पंजाब में कितनी है, तमिलनाडु में कितनी है। तो टोटल यहाँ पे आपको जो है 47 जो है रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा दोस्तों उत्तर प्रदेश में निकाली गई हैं और सबसे कम तो कई सारे हैं, दिल्ली है, झारखंड है, कर्नाटक है, तो इन सब में एक एक निकाली गई है, तो ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव रहेगा उसका क्या काम रहेगा, क्या काम करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आप सभी को जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया है और जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो केवल ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट को प्रेफरेंस दी जाएगी, फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने MBA कर रखा है सेल्स या मार्केटिंग में, उनको यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस की जो है, यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तब भी यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। काम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाली है। यहाँ पे दोस्तों जो आपका मंथली रिवेन्यू या जो भी मंथली आपको टारगेट दिया जाएगा, सेल्स जो कि डायरेक्ट सेलिंग का यहाँ पे काम रहने वाला है, जो भी आपके प्रोडक्ट रहेंगे, जो भी आपका यहाँ पे ऑफिस वर्क रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ऑपरेट सीमलेसली विद DOP इंस्पेक्टर सब डिवीजन एंड पोस्टमास्टर टू ड्राइव IPPT थर्ड पार्टी सेल्स। तो यहाँ पे जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे दोस्तों, उनको अपना कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखना होगा, GDS में जो भी आपके यहाँ पे कस्टमर्स होंगे उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना होगा, जो भी यहाँ पे आपके मैनेजर्स रहेंगे ऑपरेशन में उनको किस तरह से आपको असिस्ट करना होगा, सारी चीज़ यहाँ पर आपको जो है बताई जाएगी, सारे काम यहाँ पर आपको करना होगा। इसके अलावा जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को शुरू में बता दिया था कि जो वैकेंसी है, जो रिक्रूटमेंट है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, जिसमें दोस्तों जो मैक्सिमम है कि अगर यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी रिक्रूटमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको 3 सालों के लिए काम के लिए रखा जाएगा, और उसके बाद अगर आपके जो मिनिमम जो यहाँ पर आपका पीरियड रहने वाला है कॉन्ट्रैक्ट, ये 1 साल का रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है या फिर दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर आपको जो है मैक्सिमम जो है 2 साल इसको आगे बढ़ाया जा सकता है आप सभी के टेन्योर को, और उसके बाद यहाँ पे जो मैक्सिमम रहेगा 3 साल का रहेगा, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा, मींस निकाल नहीं दिया जाएगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगा ये खत्म हो जाएगा, पीरियड रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क, ऑप्शन इन ग्रेजुएशन, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपका सिलेक्शन रहेगा ग्रेजुएशन में, ग्रुप डिस्कशन में या जो पर्सनल इंटरव्यू रहेंगे, इनमें जो भी आपके मार्क्स रहेंगे उसी के बेस पर यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे ऐसे जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने MBA मार्केटिंग में किया है, MBA कर रखी है मार्केटिंग या सेल्स में, उनको यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे जितने भी कैंडिडेट रहेंगे, 2 और मोर कैंडिडेट, अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है या 2 स्टूडेंट है जिनको सेम स्कोर यहाँ पे मिलते हैं, तो उन सभी का जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा या जो डिसाइड होगा उनके डेट ऑफ बर्थ के बिहाफ पे किया जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरिट ऑर्डर सेल बी डिसाइडेड पर द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो भी ऐसा कोई केस बनता है जिसमें 2 स्टूडेंट या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे अगर सेम स्कोर मिलता है तो इनको उस तरह से सेलेक्ट किया जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों जब यहाँ पे आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके लेकर लिस्ट जो है इसकी ऑफिशियल साइट पे रिलीज कर दी जाएगी, जहाँ पे आप अपना नाम देख सकते हैं। जो यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, जो आपके जो सैलरी रहेगी दोस्तों, ये लमसम अमाउंट रहने वाला है, जो कि 30,000 रुपये आपको मिलेंगे पर मंथ यहाँ पे आपको मिलने वाले, जिसमें आपके जो इंक्लूसिव जो स्टेशनरी डिडक्शन रहेगा ये भी इसमें से रहेगा, और जो यहाँ पे टैक्स डिडक्शन रहेगा ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। टैक्स डिडक्शन या जो टैक्स आपको देना होता है इसके बारे में आपको पता ही होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आप देख सकते हैं, एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए 150 रुपये रहने वाला है, जबकि फोल अदर जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 750 रुपये रहेगी। कैंडिडेट शुड इंश्योर एलिजिबिलिटी बिफोर पेइंग द फीस अप्लाइंग ऑनलाइन। यहाँ पे आप सभी को अपनी जो एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है अप्लाई करने से पहले। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को जो है रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स रहेंगे डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी जिनके 40% रहने वाले, उनको यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। एससी एसटी वालों के लिए 3 साल रहने वाला है, और एससी एससी एसटी के लिए 500 साल रहने वाले हैं, 5 साल रहने वाले हैं, और यहाँ पे जो 3 साल रहेंगे ओबीसी स्टूडेंट के लिए रहेंगे, कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैंडिडेट है, इन सभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 साल, 10 साल, 15 साल है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो जनरल इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो आपके ब्रांचेस हैं कि किन ब्रांचों में कितनी वैकेंसीज निकाली गई है, सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे बिहार में दोस्तों मधेपुरा है, इसके अलावा लखीसराय है, यहाँ पे आ रहा है बंका है, बिहार में बक्सर है, दिल्ली में दोस्तों दिल्ली विकासपुरी है, यहाँ पे एक है, गुजरात में यहाँ पे आप देख सकते हैं अवंतगा है, गुजरात में राजपिपला है, दाहोद है, इसके अलावा कई सारे यहाँ पे किसी भी स्टेट या यूटी में जो वैकेंसी निकाली गई है जो ब्रांचेस रहने वाले वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। चैनल को पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।